ये देखो देखो, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं चढ़ पाएगा बेटे। ऐसे इग्नोर मार रहा है जैसे अक्की भाई और मुझे लड़कियां इग्नोर मारती। जैसे ईगल बहुत ज्यादा शातिर और तेज दिमाग की होती है या तेज दिमाग का होता है, वैसी ही है ये, सिर्फ इसको काटने को चाहिए। पेडिग्री, ये पेडिग्री के दाने हैं, चने हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आपको मैं मेहमान के बारे में बताने वाला था, तो आप लोगों को उस मेहमान से मिलाता हूँ, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सही पढ़ा टाइटल में जो है कि हम लोगों ने एक डॉग अडॉप्ट किया है जिसका नाम है बीगल। सॉरी, बीगल नाम नहीं है उसका, बीगल उसकी ब्रीड है। तो हमने वो अडॉप्ट किया है और वो है 6 महीने का। आपको मिलाता हूँ, बस रुकिए। बीगल ये है, वो ये है वो शैतान, हमारा बीगल। अच्छा, इधर 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 तो ये हमने एडॉप्ट किया है इसको। तो आप देखिए कितना ज्यादा क्यूट है, और ये है 6 महीने का। फिर काट रहा है, फिर काट रहा है। इसकी जो उम्र है वो है 6 महीने। देखो काट रहा है, बहुत बदतमीज है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये कल शाम को ही आया था। और इसको लेके कौन आया था आप लोगों को बता देता हूँ। इसको लेके आई थी अलका, दीपक और दीपक के जीजू, यानी कि हमारे भैया प्रशांत भैया जी, तो इसको लेके आए थे। अब ये आया कैसे, एग्जैक्टली इसका मालिक कौन है जिसने इसको 6 महीने पाला है, वो है गौरव। अब गौरव कौन हुआ, जो दीपक है उनके जो जीजू है यानी कि हमारे प्रशांत भैया, उनके किसी फ्रेंड का है ये। तो उनका असली मालिक का नाम है गौरव, और जो इसका डेट ऑफ बर्थ है इस बीगल का वो है 5 मई 2021। तो ये लगभग 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। हम लोग टफी के दर्द से थोड़ा उभर ही रहे थे कि अचानक से उसी दिन ये मिल गया। किस दिन? जिस दिन हमने टफी के जो कपड़े थे, जो उसका सामान था, खिलौने थे, उसको पैक ही किया था, उस दिन हमें ये मिल गया। और बहुत शैतान है, मतलब चुप नहीं बैठ रहा। इसके बॉडी पे जो कलर्स है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। लेकिन ये चुप बैठेगा तब ना। बीगल की पहचान होती है ये वाइट कलर, जो ये टीके के तौर पर होता है यहाँ तक। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है बीगल की। उसके बाद जो इसका दूसरा कलर है इसकी बॉडी पे, वो है इसका टैन कलर, जो हमारी बॉडी में टैन हो जाता है ना, मेरी तो पूरी बॉडी ही टैन है। तो ये उसका कलर है, आप इसको लाइट ब्राउन भी बोल सकते हैं। और जो तीसरा कलर है इसका वो है ये डार्क ब्लैक। तो ये 3 कलर से मिलके बना हुआ है, और इसके जो पंजे हैं ये प्योर वाइट रहते हैं, देखो प्योर वाइट। और फिर अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको संभालने में। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने कहीं और रह के आया, यानी कि अपने असली मालिक के पास। फिर एकदम से ये आया अलका के घर पे, यानी कि नोएडा सेक्टर 22, जहाँ का मैंने आपको व्लॉग दिखाया था। उसके बाद ये आया फिर कल शाम को, जब मैं वजीरपुर जा रहा था तो वो लोग आए, तो उस समय मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा लेट भी पहुँचा था घर पर, तो उस दिन मैंने सिर्फ आपको इसकी झलक दिखाई थी। तो आज सोचा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दूँ। पट्टी चुप बैठेगा तब बताओ ना यार आप लोगों को। बड़ा शैतान कुत्ता ये चैन से नहीं जीने देगा हमको। शेरो नो, शुरू नो बेबी नो। एक दिन हुआ नहीं इसको, और देखिए शैतानी, देखो इसकी क्या हुआ, क्या हुआ, कौन है ये? अजीत भाई बोलो, अजीत भाई कम हियर, बोलो अजीत भाई इधर आओ। हेलो हेलो करो अजीत भाई को, हेलो हेलो। अपने रंग में हो। नो 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 बेबी, कट नहीं, कट नहीं। फिर बस ऐसे आराम से रह। लैपटॉप चलाएगा, लैपटॉप चलाएगा। अभी हम लोग कन्फ्यूज इसलिए है क्योंकि इसका जो असली नाम है वो है शीरो। फिर मम्मी शीरो बोल नहीं पा रही तो मम्मी शेरो बोल रही है, जो हमारे अक्की भाई है वो भी शेरो बोल रहे हैं, मैं इसको हीरो बोल रहा हूँ। तो अलग अलग नाम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये सुन नहीं रहा, ये समझ नहीं। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे को बुला रहे हैं, या क्या पता इसको अपने मालिक की याद आ रही हो, इसलिए थोड़ा बहुत सुस्त भी है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा शैतान कुत्तों में से एक है। अगर आप गूगल पे सर्च मारो बीगल के बारे में, तो ये नॉटियस्ट डॉग में से एक है, सबसे ज़्यादा नॉटी है ये। बट अभी फिलहाल हमारे साथ थोड़ा बहुत शांत इसलिए है क्योंकि इसको अपने मालिक की याद आ रही होगी जिसने इसको 6 महीने पाला है। लेकिन तू टेंशन मत ले, यहाँ पर भी तेरे को अच्छी तरह पाला जाएगा, बस तू शैतानी थोड़ी कम करना बेटा, मारता भी हूँ मैं। इसीलिए तो अभी मेरे साथ है अक्की भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं बीगल के बारे में? भाई यार बहुत शैतान है यार, जब से आया ना ये तो मतलब ना तो कुत्तों को छेड़ता ही नहीं था, और ये इतना परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी ये शांति से बैठा है थोड़ी देर, शायद इसको नींद आ रही है क्योंकि इसको अपने मालिक की याद आ रही है। इसीलिए जैसे ही हम इसका नाम डिसाइड करेंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे। आप लोग भी तब तक कमेंट बॉक्स में इसका नाम हमें बता सकते हैं कि क्या नाम हम इसका रख सकते हैं, क्या नामकरण करें। और जो हमारा पिछला डॉगी था टफी,
वो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल पाया। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ज़्यादा हमने हमारे आस पड़ोसियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसको ढूंढने में, पोस्टर्स तक लगाए, गली गली में चप्पे चप्पे भी देखा, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। तो जैसे ही हमने उसका सामान पैक किया, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, तो उसी दिन जैसे पैक किया हमने उसका सामान जिसमें वो खाता था पीता था, उसी दिन ये आ गया घर पे। तो अब क्या करिश्मा है क्या नहीं है, और ये आया बताऊँ क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगले महीने 11 तारीख को यानी कि 11 दिसंबर को मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है। तो ये गिफ्ट के तौर पे आया है, उसको लेके आई है अलका। आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब पेट लवर है, आपने उनके घर पे भी देखा होगा, 4 स्ट्रीट डॉग्स है जिनके घर पे, एक का नाम है कालू, एक का नाम है सफ़ेदा और एक का नाम है लंबी पूंछ वाला, ऊपर से एक का नाम है टुल्लू जो ब्लैक रंग का है। तो और एक उनकी पर्सनल डॉग है जिसका नाम है स्नोही, और जो उनके भैया हैं यानी कि प्रशांत भैया हमारे, उनके पास भी सेम इसी ब्रीड का डॉग है, बट वो 3 महीने की है और ये है 6 महीने का, और ये है मेल और वो है 3 महीने की, उसका नाम है बम्पी, वो भी बहुत ज़्यादा शैतान है। और ये ब्रीड मैंने पहली बार तभी देखी थी जब मैं अलका के घर पर गया था। अभी पता नहीं क्यों शांत बैठा हुआ है, थोड़ी देर पहले तो खेल रहा था, इसको 24 घंटे नहीं हुए लेकिन ये सबसे बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बट ये थोड़ा सा उदास भी है, शायद इसको अपने मालिक की याद आ रही है। डर भी है किसी के साथ चला ना जाए, ये सबके साथ जा रहा है ना अभी, बस यही डर है, ये जिसको देख रहा है उसके पीछे भाग जा रहा है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका नाम सजेस्ट करें, और मैं चाहता हूँ कि जो बेस्ट नेम होगा ना हम उसका नाम वही रखेंगे, क्योंकि अभी इसको मैं शीरो बोलूँ, शीरो शीरो शेरू जवाब नहीं, शेरू शेरू हीरो कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है कि हमें इग्नोर मार रहा है। वैसे लड़कियां तो पहले ही हमें इग्नोर मार देती है, तो कुत्ते भी इग्नोर मार रहा है तो कोई नहीं, इसको हम ट्रेन करेंगे, आपको इसके बारे में हर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, इसकी ट्रेनिंग दिखाऊंगा, इसका जो नाम डिसाइड हम लोग करेंगे आज रात को ही डिसाइड करेंगे जब सब लोग घर पर आ जाएंगे, तो वो आपको दिखाऊंगा, ये भाई को लेने जब जाएगा तब दिखाऊंगा, इसको घुमाने का ब्लॉग दिखाऊंगा, और जो जो ये मस्ती करेगा आपको सब दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। गलती हमसे हो गई थी, हमने टफी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं दिखाया था क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बाहर इधर उधर भी घूमता था, बट इसके बारे में आपको बहुत बारीकी से हर एक चीज़ बताएंगे। अभी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है कुछ है? हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये हमने डॉगी लिया है तो कितने रुपये में होगा, आप लोग खुद ही गेस करिए, आपके पास 3 सेकेंड है, इसको देख के आप गैस करिए, इसके लंबे लंबे कान, इसकी सुस्ती देख के, इसकी चालाकी देख के आप लोग गैस करिए कितने का हो सकता है ये। कर लिया आप लोगों ने गैस? अब मैं बताता हूँ, ये हमें तो मिला है 30,000 रुपये में। अब आप लोग सोचेंगे 30,000 रुपये में 6 महीने पुराना कुत्ता क्यों लिया, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, जिसका असली मालिक है यानी कि गौरव, तो उसने शायद इसको 30,000 रुपये में लिया था और ये हमें मिला है फ्री में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो बंदा एब्रॉड जा रहा है, मतलब विदेश में जा रहा है, US वगैरह में जा रहा है, तो वो इसको ले जा नहीं पाएगा और वो अपनी स्टडीज़ प्लस जॉब के लिए जा रहा है। तो इसलिए प्रशांत भैया को उसने बोला था कि आप लेके जाओ, लेकिन प्रशांत भैया ने बोला नहीं यार, अजीत लोगों का यानी कि हमारा एक ऑलरेडी डॉग गुम है, तो हम लोग थोड़ा बहुत डिप्रेस हैं, तो एक हमें डॉग चाहिए था, बट ये अभी थोड़ा सा बड़ा मिला, लेकिन हम इसको अपने बच्चे की तरह रखेंगे, अपने भाई की तरह रखेंगे। अब अलका जब भी आएगी इसको राखी बांधेगी, इसके साथ भाई दूज बनाएगी, इसके साथ हम नया साल मनाएंगे और इसको हर एक चीज़ सिखाएंगे, ये बिल्कुल नहीं डरेगा, ये शेर बनेगा शेर, इसके इसलिए इसका नाम हम लोग शेरू बोल रहे हैं, बट ये फिर भी हमें इग्नोर मार रहा है। तो भाई आज रात को सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे एक एक नाम एटलीस्ट। तो मेरी साइड से तो शेरू शेरा मतलब शेरा शेरू ठीक रहेगा नाम, क्योंकि ये शेर लगता भी है और शेर की तरह इसके बाहर कान वान है, तो हम इसको शेर बनाएंगे अब लेकिन भाई तुमने बात करी शेरा की, तो शेरा सलमान खान के फैंस बुरा मान जाएंगे क्योंकि इनके बॉडीगार्ड का नाम भी शेरा ही है, लेकिन क्या करें, इसके कान शेर की तरह लग रहे हैं तुझे? नहीं, शेर की तरह इसकी शक्ल शेर की तरह लग रही है, पराठे हैं अभी इतना चुप दिखाई दे रहा है ये, है नहीं अपनी मस्ती में आया ना, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जा रहा है साला, कभी फ्रिज में चढ़ रहा है, कभी कहीं और चढ़ रहा है, लेकिन है बड़ा क्यूट, बहुत क्यूट बंदा है, इसकी मासूमियत देखो, सिर्फ मासूमियत इसलिए क्योंकि इसको नींद आ रही है, जब इसका असली रंग दिखेगा तो वे साला छोड़ नहीं रहा हर एक चीज को। और अभी इसको सिर्फ 24 घंटे से भी कम टाइम हुआ है, उस समय हमें मिला था 4:01 पे ये आया था घर पे, और अभी हमें इसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जो हमारा टफी था तो वो तो बहुत ही शांत था, वो हमारी बात सुनता था, बट ये अभी हमें सुनता ही नहीं है, इग्नोर मारता है टोटली। और टफी हम जिसको बोलते थे कि कम हियर गो देयर हैंडशेक सब करता था, और इसको कुछ नहीं पता अभी, तो ट्राई कर रहे हैं हम इसको ट्रेन करने का, लेट्स सी ये कब तक ट्रेन होता है, तब तक
ये देखो इसे कैसे प्यार से बैठा हुआ है ये। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे पास वही आ रही है कि ये हमारी बात सुन नहीं रहा, शायद इसको अपने मालिक की याद आ रही हुई जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन जो भी चीज़ रहेगी हम इसको फ्रेश से स्टार्ट करेंगे और हमने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। अगर एक हफ्ते में हमारी बात मानता है तो ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा, वरना हम इसको अलका को वापस सौंप देंगे। क्यों बे, यहाँ रहना है तो सीखना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह ट्रेन करेंगे हम स्टार्टिंग से, क्योंकि इसका जीरो फेज स्टार्ट हो रहा है नए घर में नए लोगों के साथ। अभी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, 5-6 लोग तो हम ही हैं, उसके बाद 5-6 लोग हमारे आस पड़ोसी हैं, फिर एक आधा लोग सानू संचित और भी आएंगे इसको देखने। तो ये सोच रहा होगा कि साला इसमें से मेरा असली मालिक है कौन, कभी ये आ रहा है मुझे मेरे पीछे, कभी ये आ रहा है, कभी कूड़ा वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी दूध वाला आ रहा है, तो हर कोई आए जा रहा है। तो ये कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, तो इसकी कन्फ्यूज़न हम लोग दूर करेंगे, इसको एक नया नाम देंगे, इसकी जर्नी फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा नया मेहमान, हमारा बीगल। ये हमको काटने के लिए आ रहा है, काटने के लिए, लेकिन इसको सारे इंजेक्शन लगे हुए हैं, सारे के सारे इंजेक्शन लगे हुए हैं। हैंड शेक करो। अबे गधे कुछ तो सीख ले। इतनी जल्दी नहीं सीखेगा मुझे मालूम है, बिल्कुल नहीं सीखेगा। ये देखो काटने के लिए आ रहा है, काटने के लिए, लेकिन इसको सारे इंजेक्शन लगे हुए हैं। अरे काटता नहीं है, ऐसे दांत मारता है, छोड़ देता है, क्योंकि इसके अभी दांत आ रहे हैं ना नए, तो दांत आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिले। और ये बीगल ब्रीड जो है ये तो हमें चलो मुफ्त में मिल गया है, लेकिन इसकी कीमत कम से कम 20,000 रुपए से स्टार्ट होती है, कम से कम, फिर वो बढ़ती रहती है 30, 40, 50, जहां जिस हिसाब से, जिस एरिया के हिसाब से वो बढ़ती रहती है। शेक हैंड्स शेरू, शेक हैंड्स, शेक हैंड्स। वाइल्ड क्यों हो रहे हो इतने, वाइल्ड क्यों हो रहे हो? तफी इतना शैतान कभी नहीं था, कभी नहीं था भाई, बहुत शांत था। और वो मेरी सारी बात सुनता था और ये कुछ बात नहीं सुन रहा। ये देखो सबसे क्या हुआ बेबी, ये देखो शेरो कौन है, ये अजीत भाई है, अजीत भाई को ये देखो कट्टू कर दो। नहीं नो, नए नए दांत आ रहे हैं ना, इसके दांत देखो, दांत देखो, दांत देखो इसके, इसका मुंह पकड़ लो, देखो देखो ये शैतान का मुंह पकड़ लो, देखा आपने अभी तक कितना शांत बैठा हुआ था मेरी गोदी में, और अब देखो इसको, सिर्फ इसको काटने को चाहिए मेरे पास। देखो यार वाइल्ड हो रहा है ये, पता नहीं क्यों, क्या हुआ ना, नो पिछले जन्म का बदला ले रहा है मेरे से आज, क्या हुआ, टफी का बदला ले रहे हो तुम? है बेटा टफी का है, ढूंढ के लाओ टफी को, आप आपका भाई मिल जाएगा। नहीं भेजा टफी ने, तो नहीं भेजा कि यार, हाँ टफी ने भेजा होगा भाई से, बोला होगा अगर, सोचो भाई दोनों ये आ गए तो टफी क्या बोलेगा कि यार मेरे मालिक ने मेरे को हटा के किसी और रख लिया, किसी और को रख लिया, कोई नहीं हम दोनों बेटा आप हट जाओगे अगर टफी आ गया, समझ रहे हो? हाँ बेटा तेरा देखो हटा देंगे हम, हाँ इसलिए सुधर जा बेटा, सुधर जाओ जल्दी, नहीं तो आपका पूरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे अगर टफी आ गया तो, लड़ाई करवाएंगे दोनों की, ये तो पिट जाएगा। अजीत भाई को काटो, ये सीख गया काटना कैसे, अजीत भाई को काटो, ये नो दांत देखो, दांत देखो, दांत देखो, मम्मी नया डॉगी आया घर पे, कैसा लग रहा है? सुंदर, मजा आ रहा है साथ? अभी तो मजा ही है पर देखते हैं सजा। डर है कि सजा ना हो जाए ना। हाँ मम्मी के साथ तो आराम से रह रहा है वो, खा पी रहा है, जाओ जाओ। ये देखो नया मेहमान है ये हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव। अभी भाग जाएगा, भाग जाएगा, अभी इसका ये पट्टा बांध दो, पट्टा। तो ये इसी पट्टे में आया था बंद के ये, और जो भैया इसके लिए दाने लेके आए थे, ये दाने लेके आए थे, अभी फिलहाल खा नहीं रहा, इसने खा लो, ये अभी नहीं खा रहा, उसका पेट भर गया। टफी का था ये, अभी इसी में से वो दे रहे हैं खाना पीना जो भी है, पानी खाने के लिए दूसरा है। और ये है इसकी डाइट जो लेके आया है, ये क्या कंपनी की, आप भी देखिए, पेडिग्री, ये पेडिग्री के दाने हैं, चने हैं, तो यही खा रहा है वो। खेल शेरो, इसकी पहचान ही है ये, इसके बड़े बड़े कान, चपाती जैसे कान, पहचान ही है उसके, सिर में टीका सा लगा है वो सफेद वाला, वो है सब कबूतर है क्या, कबूतर, कबूतर भगवा हो ना, जा कबूतर होगा, कबूतर होगा, जा नो 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 शीरो नो नो शीरो कबूतर 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 शू 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 इसको डर नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का डर नहीं है इसको।
ना हमारा ना किसी चीज का। तो अगर आप लोगों को भी कोई नाम आता है दिमाग में इसके लिए, जो भी आप नाम रखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वो नाम हम इसका रख सकते हैं अगर हम लोगों को पसंद आया तो। और हम लोग भी अपनी तरफ से नाम बताएंगे। मेरी तरफ से तो हीरो है, और अक्की भाई की तरफ से उन्होंने कहा था कि शीरो, शेरू, शेरू शेरू नाम है, और असली नाम जो इसका है वो है शीरो। जो इसका असली मालिक है गौरव भैया, उन्होंने कहा कि इसको अपने तरीके से ट्रीट करना, अपने तरीके से जो भी खाना खिलाना हो सब चीज़ खाता ही है। तो फिलहाल तो इसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, अपने चने खाए हैं, थोड़ी सी रोटी वगैरह खाई है। तो उन्होंने कहा कि अपने तरीके से इसको ट्रीट करना और एक नया नाम देना है इसको। तो हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे मुँह से शीरो भी तो नहीं सुन रहा। अगर शीरो ही सुनता तो हम लोग इसका नाम वही रख देते। लेकिन आप लोग हमें कोई नाम सजेस्ट करिए, अगर हमको पसंद आया तो हम लोग ज़रूर उस नाम को इसका नाम रखेंगे। तो सबकी राय लेंगे शाम को या तो रात को, जब भी जो जो आता रहे, जिसके बाद जो टाइम मिलता रहे, और उसके बाद जो नाम बेस्ट रहेगा हम उसी नाम से इसको पुकारेंगे। क्योंकि हर कोई इसको अलग अलग नाम से पुकार रहा है, कभी मैं इसको कुछ नाम से पुकार रहा हूँ तो ये कन्फ्यूज़ हो रहा है कि मेरे साथ तुम कर क्या रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो मेरे साथ। इसीलिए बाय। ये देखो देखो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं चढ़ पाएगा बेटे, गिट्ठे नहीं चढ़ पाएगा। और तू बेड में नहीं चढ़ेगा गिट्ठे, अभी कोशिश पूरी करेगा देखना। ये अब दूसरा रास्ता ढूंढेगा, इसी पट्टे में बंद किया आए थे। जैसे ईगल बहुत ज़्यादा शातिर और तेज़ दिमाग की होती है या तेज़ दिमाग का होता है, वैसे ही है ये बीगल, जो कि कुत्ते की ब्रीड है। ये भी बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। बस ये दिखते बड़े मासूम से हैं, बहुत प्यारा सा मुंह लगता है, लेकिन तेज़ दिमाग के होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा। अभी इसको आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, और इसकी हरकतें हमने देख ली। भाई थकता नहीं है जल्दी, और थकता है तो अभी सोता है तो खतरनाक ही सोता है, फिर उठने का नाम नहीं लेता। अभी हम लोगों के मन में ना टफ़ी के लिए जो प्यार है वो अभी बहुत गहरा है। तो कई बार हम इसको ना टफ़ी टफ़ी बोल रहे हैं, तो ये कभी बैठा हुआ टफ़ी आ जा, टफ़ी ये टफ़ी वो। ठीक है, अलका दीपक और प्रशांत भैया ने ये गिफ्ट दिया है, तो हम लोग इसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे। और डॉग्स काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं, ये भी लविंग है, बट अभी क्या है ना कि हमारी बात सुनने में कम से कम टाइम लगाएगा, कम से कम एक हफ्ता तो लगाएगा हम लोगों को पहचानने में कि हम ही अब इसके मालिक हैं। और उसके बाद एक महीना ये ट्रेन होने में कम से कम लगा देगा, क्योंकि अभी इसको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। लेकिन जब इसको मेन पता चलेगा कि अब इस घर में रहता है, तब ये हमारी बात सुनना स्टार्ट करेगा। अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो ऐसे इग्नोर मार रहा है जैसे अक्की भाई और मुझे लड़कियाँ इग्नोर मारती है। मजाक करूँ, वैसे इग्नोर भी नहीं मारती वे, इतने गंदे भी नहीं हम लोग, तो वैसे इग्नोर कर रहा है। और टफ़ी की काफ़ी ज़्यादा याद तो आ रही है। गौरव भैया को भी थैंक यू, प्रशांत भैया को भी थैंक यू, दीपक को भी थैंक यू, अलका को भी थैंक यू, और हम सब की तरफ से धन्यवाद। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। अगले ब्लॉग में हम लोग करेंगे इसका नामकरण, और देखेंगे क्या नाम डिसाइड होता है। आप लोग भी तब तक पूरा मतलब समर्थन दे हमारा, और हम लोगों को नए नए नाम बताइए। लेकिन एक बात पहले बता दूं, इसका असली नेम शीरो है, जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। तो उस नाम के अलावा बाकी और कोई नाम आपके जहन में आता है तो वो बताना। अबे खाना नहीं मिला क्या जो चप्पल खा रहा है, है? खाना नहीं मिला चप्पल खा रहा है, चप्पल खाएगा, बैठ रहे अपनी जगह बस।